सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। जैसे लड़ने वाले को बोलते हैं फाइटर और पढ़ाने वाले को बोलते हैं टीचर, पढ़ने वाले को बोलते हैं रीडर, उसी तरीके से राउट करने वाले को बोलते हैं राउटर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास नेहरा और आप देख रहे हैं नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे राउटर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राउटर होता क्या है। राउटर बना है राउट शब्द से, जिसका अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। तो राउटर जो है वो एक तरह का नेटवर्किंग उपकरण होता है जो कि पैकेट्स मतलब डेटा समूह को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं राउटर के बारे में आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसको किसने बनाया था, इसके कितने प्रकार होते हैं आदि। तो वीडियो को अंत जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउटर जो है वो राउट शब्द से बना है। तो ये क्या काम करता है, पैकेट्स को एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये आईपी पे काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किसने बनाया। राउटर को 1981 में स्टैनफोर्ड नाम की जगह है, वहां पे कुछ रिसर्चर्स थे। तो एमआईटी रिसर्चर्स ने इसको 1981 में स्टैनफोर्ड में बनाया था। तो राउटर के जो प्रकार होते हैं वो कई तरह के राउटर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार का जो राउटर होता है वो होता है केबल राउटर, यानी कि वायर्ड राउटर। इसमें जो डिवाइसेज हैं वो एक नेटवर्किंग केबल की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जो कि राउटर से कनेक्ट हो रही होती हैं। तो जो राउटर जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो केबल्स के थ्रू कनेक्टिविटी की सर्विस और पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम करता है। दूसरी तरह के जो राउटर्स होते हैं वो होते हैं वायरलेस राउटर्स। वायरलेस राउटर्स जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली उनकी फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz और 5 GHz की होती है। तो दो तरह की कैटेगरी होती हैं वायरलेस राउटर्स की, एक जो 2.4 पे ऑपरेट होते हैं और दूसरे जो कि 5 GHz पे ऑपरेट होते हैं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क होता है कैपेसिटी का। 5 GHz वाले राउटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है एक ही टाइम पे, लेकिन उसकी जो रेंज है वो कम होती है 2.4 GHz के मुकाबले। तो अगर आप चाहते हैं कि दूर तक मेरा सिग्नल जाए तो मैं 2.4 GHz का राउटर यूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस से रेंज से फर्क नहीं पड़ता और मुझे फास्टर सर्विस चाहिए तो मैं 5 GHz का राउटर प्रिफर करूंगा। कुछ राउटर्स होते हैं हाइब्रिड, जो कि हमें घरों पे आमतौर पर देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड राउटर्स में वायर्ड कनेक्शन के लिए भी पोर्ट्स होते हैं, RJ45 कनेक्टर होता है जो कि नेटवर्किंग में जनरली यूज किया जाता है, और वो वायरलेस राउटर भी होते हैं। और डुअल बैंड राउटर्स भी हमें आजकल खूब देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों मोड्स में ऑपरेट होते हैं, 2.4 GHz पे भी और 5 GHz पे भी, दोनों आवृत्ति पर वो काम करते हैं। तो जो राउटर है वो किस तरीके से काम करता है, राउटर की हेल्प से हम कई सारे डिवाइसेस को, कई सारे मोबाइल है उनमें, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्ट टीवी हो सकता है, इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है राउटर। तो एक अपना नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क बना देता है। तो जहां भी हम राउटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क को हम लैन या वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं। राउटर जो है प्राइवेट नेटवर्क को जोड़ता है हमारे इंटरनेट से, इंटरनेट यानी कि जिसको हम पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक मीडियम की तरह काम करता है। ये पैकेट्स को लेके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कौन सा पैकेट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिपेंड करता है आईपी पे। अब आईपी को आप ऐसे समझिए, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस एक इस तरह का एड्रेस है जैसे कि हमारा घर का एड्रेस। तो कौन सी बस
एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और हमें कौन सी बस पकड़ के अपने घर जाना है तो ये डिसाइड करेगा कि हम किस जगह पे रहते हैं, हमारे एड्रेस पे। वही पैकेट के केस में कहानी है कि कौन सा पैकेट कहाँ से किसको भेजना है वो डिपेंड करता है उसके आईपी एड्रेस पे। तो जो आईपी एड्रेस की को अलॉट किया जाता है वो हम दोनों तरीके से अलॉट कर सकते हैं। राउटर डीएचसीपी के थ्रू भी आईपी एड्रेस अलॉट करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप से आईपी अलॉट कर देता है जितने भी नेटवर्किंग उपकरण, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क में, तो उनको अपने आप से वो आईपी, जो भी फ्री आईपी उसके पास होगी वो उसको दे देगा। लेकिन अगर आपके पास आप चाहें तो स्टैटिक आईपी भी राउटर के थ्रू दे सकते हैं, मतलब अगर डीएचसीपी से आईपी अलॉट होती है तो वो आईपी बदलती रहती है। जो फ्री आईपी अवेलेबल होगी उस टाइम पे वही आईपी अलॉट की जाएगी आपके पर्टिकुलर डिवाइस को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईपी बदले ना, तो हम स्टैटिक आईपी भी अलॉट कर देते हैं जो कि हमें मैनुअली करनी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जब हमें अपने डिवाइस से अपने राउटर को एक्सेस करना है तो हमें एक गेटवे आईपी होती है, जिस वो आईपी जो कि राउटर की आउटपुट पोर्ट की आईपी है, तो जिसके थ्रू सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं और कोई भी पैकेट जो है जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से है उससे इंटरनेट की तरफ जाता है तो वो उस गेटवे में से होके जाता है। गेटवे को आप एक तरीके का गेट समझ सकते हैं। तो गेटवे आईपी एड्रेस हम डाल के अपने ब्राउजर में अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैकेट आता है इंटरनेट से तो वो हमारे राउटर के इनपुट पोर्ट से होता हुआ राउटर के आउटपुट पोर्ट से होके उस पर्टिकुलर डिवाइस पे चला जाता है जिस पे उसे जाना है। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है जैसे कि मैं अपने मोबाइल में youtube.com ब्राउजर में टाइप करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो मोबाइल है, मैं उस पर यूट्यूब को ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो राउटर से पास होते हुए चली जाएगी YouTube के सर्वर तक इंटरनेट के माध्यम से। और फिर YouTube ये देखेगा कि ये सर्विस किसको देनी है, किसने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, तो वहां से जो पैकेट्स आएंगे वो राउटर से होते हुए मेरे डिवाइस पे वीडियो या जो भी मुझे देखना है वो चीज मुझे सर्विस प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पब्लिक आईपी की जरूरत होती है। पब्लिक आईपी जो है वो सेवा प्रदाता जो है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो हमारे राउटर पे एक पब्लिक आईपी अलॉट करता रहता है। तो ये आईपी जनरली चेंज हो रही होती है, यानी कि डायनामिकली अलॉट होती है वो आईपी। आप चाहें तो स्टैटिक आईपी भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको या तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या फिर एक आपको पब्लिक आईपी खरीदनी पड़ती है अपने राउटर के लिए। तो दोनों तरीके से हमें पब्लिक आईपी अलॉट हो जाती है, स्टैटिक भी और डायनामिक भी। डायनामिक आईपी बार बार चेंज होती रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो राउटर है वो जो काम करता है वो इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में भी नेटवर्किंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो राउटर में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आप एक सिम के थ्रू भी सर्विस ले सकते हैं, सिम वाले राउटर्स भी आते हैं। अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड है, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है, तो उसके थ्रू भी आपको सर्विस दी जा सकती है। और आप चाहें तो टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके भी सर्विस ले सकते हैं। जरूरी है कि एक लिंक का होना, मतलब एक मीडियम का होना जिससे कि सिग्नल पास हो सके, पैकेट्स पास हो सके। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको राउटर के बारे में काफी कुछ जानकारी आज की वीडियो से मिल गई होगी और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप दे देना वीडियो को, और हमारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ भी आप जरूर शेयर करते रहिए ताकि ऐसी इस तरह की रोचक जानकारी उनको मिलती रहे। तो तब तक, जब तक मैं एक दूसरी वीडियो लेके आता हूं आपके लिए, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।